फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल छुपादी पर। गलत इंट्रो लेकिन कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं पार्ट टू अपनी रेडिट वाली वीडियो का। तो आगे बढ़ने से पहले अपने एडिटर साहब, वार्निंग दे रहा हूँ तेरे को मैं, अगर अभी तूने खतरनाक वाला इंट्रो नहीं चलाया तो ये पानी की बोतल मैंने यहाँ से बैक ली और इंडिया आके तेरे को लगेगी। 1 2 रेडिट। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, इस बारी रेडिट वाली वीडियो को थोड़ा बहुत ट्विस्ट रखते हैं। अगर मैं यहाँ पर हंसा, क्योंकि मेरे को याद है लास्ट वाली वीडियो के अंदर भैंस की हंसी बंद ही नहीं हो रही थी भाई, क्या क्या कंटेंट आपने रेडिट के ऊपर डाला। तो बेसिकली अगर मैं हंसता हूँ तो स्क्रीन के ऊपर एक कोड आएगा आपके सामने, और वो कोड होगा अमेज़न के 100 रुपए के वाउचर का। तो अगर मैं हंसता हूँ तो उसमें आपका फायदा। तो जैसे ही कोड स्क्रीन के ऊपर आया, फट से जाके आपने क्लेम करना है, फट से, रुकना नहीं है, नहीं तो कोई और क्लेम कर लेगा। और आगे बढ़ने से पहले एक सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट 50,000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, क्योंकि ये फेवरेट सीरीज मेरी होने वाली अब तक की। और ये रहा गाइस अपनी बिच्छू गैंग की कम्युनिटी का रेडिट। ओके, बैनर हट चुका है भाई, एकदम खतरनाक। अभी थोड़ा बहुत मैं सेफ फील कर रहा हूँ, और मेरे को डीप इनसाइड पता है कि इन लोगों ने शायद ये भी फिक्स कर दिया होगा। ओके, तो ये इन लोगों ने फिक्स नहीं किया भाई, तो एक काम करता, ये भी मेरे को थोड़ी देर बाद फिक्स करना पड़ेगा। लेकिन एनीवेज 308K लॉयर्स यहाँ पर हो चुके हैं, लेट्स गो लॉयर्स। चलिए काम करता, ये वाला रहने देते हैं। बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने मेरे रेडिट वाले पेज ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे के रखा है, आप भी चाहिए उसके ऊपर क्लिक कीजिए और अपना पेज ज्वाइन कीजिए और मस्त वाली मीम्स मेरे को भेजिए, ताकि हम उसके ऊपर रिएक्शन दे के एकदम सारे हंस सकें। और आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये वीडियो मे बी इधर उधर जा सकती है, तो थोड़ा बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम टुमारो, पबजी और एग्जाम, ऑब्वियसली भाई एग्जाम। एग्जाम गया बाहर दे, सारे पबजी लेके आओ। वैसे अपने लौंडे जो है फुल ऑन कंसंट्रेशन यहाँ पर कर रहे थे भाई, लेकिन पढ़ाई के दौरान भी दिमाग के अंदर गोली बारी, वही पबजी की ड्यूर, वही गोली बारी चल रही थी भाई। इतने सारा डिस्ट्रक्शन यहाँ पर आ रहा है, कोई मैसेजेस आ रहे हैं, कभी फोन आ रहा है, तो ऑब्वियसली बंदा डिस्ट्रैक्ट होगा। और फाइनली उन लोगों ने किताबें फेंक दी एंड लेट्स रोल इट टू पबजी। और ये अपना 100 रुपए का नुकसान हो चुका है भाई, पहली वीडियो में ही नुकसान हो गया भाई, आगे कैसे बढ़ूंगा भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये लिखा है डोंट जज बुक बाय इट्स कवर भाई, भाई गलत नहीं क्या, लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को अपनी हंसी यहाँ पे रोकनी पड़ेगी, और ये वीडियो अपने ही ऊपर है। तो काम करते, इसको प्ले करते हैं। तो ये है मेरा माइनक्राफ्ट फॉर गेम प्ले। मर गया यहाँ पर ही मरा, और आई थिंक ये हीरो बन के मोमेंट्स हैं, हीरो बन SMP। खतरनाक इशार को भगा भगा के लपेटा, लेट्स गो। ओके, पूरा SMP फोड़ा। डिस्ट्रक्शन वैसे मैंने यहाँ पर करी थी बहुत ज्यादा, उज्जवल भी गया, अज्जू भाई भी गए, और ये मेरा फेवरेट था, ऊपर से आके रॉनी, ऊपर से, कैन यू इमेजिन, ऊपर से फट गया रॉनी। स्मार्टी को भी लपेट लिया यहाँ पर, अज्जू भाई को भगा भगा के मारा। ओके, ये फनी नहीं था लेकिन एकदम ओपी था भाई, इसको तो हम लोग डेफिनेटली एक अपवर्ड देंगे ही देंगे। तो उसके बाद गाइस एक और मीम मेरे सामने आ रही है, तो मैं बेसिकली किसी और बंदे के रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन दे रहा हूँ। वेल डन भाई, एकदम बढ़िया, यही रहेगा था देखने के लिए। धूप नहीं फेंक रही भाई, इसको लगी भी नहीं, कैचअप की बोतल पीछे से खुल गई। बेसिकली लॉगे बहुत ज्यादा टिकटॉक देखता, और जब भी टिकटॉक ऑन करता है ना, सबसे पहले यही चीज आती है, मतलब कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर ऐसे। मैं उसको देख के बहुत हंसता हूँ यार, लेकिन फिर नुकसान हो गया। तो ये अभी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कहीं ना कहीं आ चुका होगा कोड, तो फटाफट से जाके वो कैश आउट कर लो, नहीं तो कोई और कैश आउट कर लेगा। वीडियो को यहीं पे पॉज कर रहा, क्योंकि आगे और कोड्स भी आने वाले हैं। What is that? Ooh.
भाई उसने चप्पल उतार दी उसकी यार। ओके यहाँ पर मैं हंसना नहीं, ठीक है, ऐसे मुस्कुराने का दांत दिखाने को हंसना नहीं बोलता, ठीक है। तो ये मैं चीटिंग नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे अगर मैंने ऐसे कर दिया ना ही या दांत दिखा दिया या हल्का सा मुस्कुरा दिया, तो इसको हंसी में काउंट नहीं करेंगे। हंसी जब तक मैं फूट फूट के नहीं हंसता, स्टॉप नहीं करता, तब तक वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। वैसे ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो चप्पल निकालने की जरूरत नहीं है भाई मेरे, तेरे को अंडा पकाना था ना, तो क्या फर्क पड़ता है अगर गैस पे पक रहा है या कड़स पे पक रहा है, क्या फर्क पड़ता है, तेरे को अंडे पकने से मतलब है। मैंने ऐसा मैंने एंड मौके पर कंट्रोल कर लिया, मैंने ओके ओके समझा, ठीक है निकल गई थी ऐसी, ठीक है श्योर। एक और कोड आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी आ जाएगा। आप वैसे आपने एक बात नोटिस की, जब उसके ऊपर पानी आया ना वेव का, फिर भी वो बंदा अपने पूरे कैरेक्टर में भाई, उसने अपनी जॉब नहीं छोड़ी। कॉमेंट सेक्शन ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये चेकआउट करते हैं। सबसे पहले कॉमेंट आती है हमारे ऑब्वियसली यूट्यूब की, बेस्ट थिंग अबाउट दिस गाय। Mostly comment section YouTube से आजकल यही भरा हुआ है। Best thing about this guy that he never takes credit for his hard work. कितना hard काम कर रहा है, उसको कभी से credit लिया भी नहीं। तो आजकल एकदम भाई मेरे, तूने एकदम सही चीज पकड़ी यहाँ पर। भाई क्या बोला इसने, यही चल रहा है आजकल। लॉजिक क्या इस बात का? तो दोनों बेसिकली बंदे अपनी अपनी फोने तोड़ रहे हैं, वो एक अपने फोन को चप्पले मार रहा है और दूसरा बंदा गुस्से में आके अपनी फोन को चप्पल मार रहा है। क्योंकि लॉजिक है इस बात का, मतलब ये तो वही बात होगी ना कि मैं यहाँ पर कैमरे के ऊपर गुस्सा आ गया और मैंने फट लगा दी दो तीन मुक्के कैमरे को, और अभी इसके बाद गाइस किसी एक बंदे ने मेरे ऊपर कुछ बना कर रखा है, उसके ऊपर 42 अपवोट्स है, 42। ये तो देखना पड़ेगा, वॉच टिल द एंड फॉर सरप्राइज। डैंक बंदे, ऑलराइट ये देखते हैं क्या किया इसने यहां पर। समंदर के अंदर से अनजान आवाजें, हम्पबैक व्हेल स्क्रैचिंग ऑन द, अरे ये तो माइनक्राफ्ट की आवाज है भाई। ये कितने अच्छा, अरे यार ये वाली गेम मैंने कुछ ही दिन पहले खेली थी, देखिए क्या खतरनाक बॉडी है इसकी। तो गाइस वेलकम टू पटियाला, और अरे वाह साथ में मेरे लैपटॉप की दुकान। जादू भाई, अबे दोनों भाई यहाँ पर काम कर रहे हैं, दोनों भाई गुस्से में और बॉडी बिल्डर वाली शक्लें लोगों ने बना कर रखी है। और रे मेरे को तेरा भाई मिल चुका है जो 20 साल पहले कुमकी मेले में खो चुका था, वो दुकान के अंदर काम कर रहा है, वो भी लैपटॉप वाली। तो टेंशन ही नहीं है। तो गाइस ये है हमारी पहली शॉप लैपटॉप वाली, उसके बाद आती है हमारी एक और सी शॉप, A few inches later. गाइस हमारे सामने एक मिनी फर्नीचर की दुकान आ चुकी है। अरे यार ये पर्पल वाले बंदे से पंगा लेता। हेलो यार कितने भाई हो तुम लोग यार, पहले मेरे को ये बताओ, एक भाई ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और पर्पल वाला फिर से आ गया, और एक ये रहा, भैंस की कितने भाई हैं यार यहाँ पर। पर मैंने अभी नोटिस किया यहाँ पर शहर के अंदर एक बहुत ही बड़ा बैंक भी बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका एक भाई डेफिनेटली बैंक के अंदर भी काम करता होगा। काम करते हैं, आराम से अंदर चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर बंदूक लेके पहले बैंक की क्यों ना लूट ले। बहुत खतरनाक वाली गेम है यार ये जो मैं आजकल खेल रहा हूँ ना, ऑब्वियसली इसकी और वीडियोस शायद आ चुकी होंगी या आने वाली है, तो बहुत ज्यादा डेंजरस गेम है। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये कुछ भाई है गेम के अंदर लिटरली हर एक दुकान के अंदर सेम एनपीसी है, सेम, और सारे बंदे सिर्फ ऐसे सेम पोजीशन, ऐसे पोजीशन में सारे बंदे खड़े हैं यहाँ पर, ऐसे खतरनाक ऐसे खड़े हैं। बॉडी भाई, भाई कस्टमर को बॉडी दी भाई, कस्टमर को पूरी पूरी लाइन ही खराब कर दी इन लोगों ने यार। वेटिंग फॉर लेजेंड, आई थिंक इन्होंने फिर से मेरे ऊपर कुछ ना कुछ बना कर रखा हुआ है यार। 29 अपवोट्स है भाई, अगर ज्यादा अपवोट्स है तो उसका मतलब ये कि तुम लोगों ने मेरे को रोज करने की कोई ना कोई प्लानिंग यहाँ पर करके रखी हुई है। खतरनाक है यार। ओके तो ये है नॉर्मल रैपिंग, ठीक है ये नॉर्मल है। अभी इसके बाद आती है अपनी लेजेंड, अभी मेरे को देखते हैं कि लेजेंड पर कौन आएगा।
नॉट बैड नॉट बैड. अभी लेजेंड देखना यार, बराबर वी वाई आई मान लिया था और आई को लिख लिया था आई वन प्लस आई टू, याद है कि भूल गया. और आई वन आई टू को बी टर्म से निकाल लेता और आर निकाल लेता. यहाँ पे जब सीक्वेंट की बात करते हैं, सीक्वेंट को क्या लिखा जाए, सीक्वेंट को लिखा जाएगा क्यू बाई बी. यहाँ पे लिखे हैं क्यू वन प्लस क्यू टू बाई बी. अरे याद है कि भूल गया है, कुछ नहीं याद है तुझे. हाँ ना बोल यार, अनबैलेंस मिक्सचर मिक्स पढ़ने के बाद अपने पढ़ा था क्या, अपने पढ़ा था बोल. यहाँ से बिल्कुल सही बोला, कोई दिक्कत वाली बात उसमें बहुत सारे अपने प्रॉब्लम करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात. उसके बाद अपने सिमेट्री प्रॉब्लम पड़े, सिमेट्री प्रॉब्लम दो टाइप के बातें पड़ी. एक सिमेट्री प्रॉब्लम कौन सी, तो प्लेन मिरर सिमेट्री और एक फोल्डिंग सिमेट्री. जितने सवाल मिरर सिमेट्री में करते हैं सबको दोबारा से रिपीट कर लो. जो आपने रजिस्टर में पढ़ा था वही क्वेश्चन में आएगा, कोई शक वाली बात. उसके बाद अपने क्यू प्रॉब्लम पड़ी थी, क्यू प्रॉब्लम में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फॉर्मूला प्रॉब्लम, उसमें हमने पढ़ा था एक सी लगा नहीं. कैसे बोल रहा है यार इतनी जल्दी. ब्रो अगर मैं स्कूल में जा रहा होता ना तो अभी तक मैंने फोन करके सारे पैसे रिफंड करवा लिए होते. भाई मेरे को नहीं जाना, क्या पढ़ा रहा तू? नहीं ये कौन सी पढ़ाई होती है? अब ऑब्वियसली गाइस मेरे को नहीं पता ये क्या पढ़ा रहा है. भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा. अब ऑब्वियसली गाइस मैं अभी अपनी वीडियो के अंदर फास्ट बोलता हूँ, ठीक है? मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ क्योंकि मेरे पास बोलने के लिए जो है बहुत सारी चीजें होती है. लेकिन भाई ये कुछ नया लेवल है इसका यार. भाई एक्चुअली जो बोल रहा है वो मेक सेंस कर रहा है या बड़बड़ा रहा है? लाइक इसको आई डोंट थिंक इसको बोलना बोलते हैं. इसको पढ़ाना तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, इसको बोल सकते हैं बड़बड़ाना. अब ऑब्वियसली गाइस ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है. और आई बिलीव कि जितने भी बंदे देख रहे हैं मोस्टली बंदों को नहीं समझ आ रहा होगा कि सज्जन जी सर जी क्या बोल रहे हैं. भाई खेत में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं और गाँव के किसानों का हाल चाल पूछते हैं. तो आप किसान है ना? हम मोदी जी के दामाद हैं. तो हम सोचे कि चले भाई खेत में जाकर रिपोर्टिंग कर. पहली बोल पे छक्का भाई. अरे ये किसानों वाला हुलिया ऐसे कैमरे के ऊपर दिखाने के लिए पहन कर रखा है. असली में भाई हमारे जंबो जेट चलते हैं, तेरे को बता रहा हूँ. और ये न्यूज के अंदर ही दिखाना चाहिए. मेरे को लगा कि ये कितना अजीब है, ठीक है? मेरे को ये समझ नहीं आया कि बंदा कर क्या रहा है. तो इससे पहले मैं आपको कुछ बोलूं, इसको मैं एनालाइज कर रहा था कि मैं यहाँ पर क्या बोलूं. भाई यहाँ पर मेरी जो है बुद्धि ने आत्महत्या कर ली. यहाँ पर मेरी जो है नॉलेज थी, जितनी भी मेरी अक्ल थी, वो दिमाग से एकदम से बाहर आ चुकी है. लेकिन ये ठीक है, ये समझ में आ चुका है, ठीक है? ये तो चलो ठीक है, मेक सेंस हो सकता है. लेकिन ये बंदा यहां पर क्या सोच रहा था? भाई बोलता हूँ कि सुबह सुबह भाई मिर्ची के पराठे इतने नहीं खाते, भाई प्रॉब्लम बढ़ जाएगी बाद में आपको. तो ये क्या लिखा, वन चपाती एंड लॉगी ईटिंग फूड. ओके ये खतरनाक होने वाले. यहाँ पर मेरे को पूरा कंट्रोल करना पड़ेगा, एकदम फुल ऑन. तो फुल स्क्रीन पर करते हैं, इसको लगाते हैं शुरू से. चपाती और लॉगी. कहां पर चुभा के रखा था इसने इतना पाउडर भाई. चलिए छोटी सी वीडियो में इतना काफी और मैं तो एकदम से हंस हंस के भाई मेरा दिमाग घूम चुका है. और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं. लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर रेडिट की पेज का लिंक देकर रखा हुआ है. तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करके पेज के ऊपर आइए और अपनी मस्त वाली मीम्स पोस्ट कीजिए. और यह नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर भी हम ऐसे कुछ करेंगे, यू लाफ यू लूज, ठीक है? तो अपनी फनी फनी मीम्स ढूंढिए, निकालिए या खुद बनाइए और पोस्ट कीजिए रेडिट पर रिएक्शन के लिए. चलिए गाइस मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एवरीवन. And bye-bye.